तो कहानी की शुरुआत मेरे छोटे से गांव से होती है और ये एक प्लेजर का गांव है और मैं भी एक प्लेजर ही हूँ। मैं और मेरे सारे दोस्त यहाँ पे ही पले बड़े हैं। हमारा गांव काफी ज्यादा शांत रहता है और हम कभी भी किसी पे हमला नहीं करते, लेकिन शायद से ये बात किसी को पसंद नहीं आई क्योंकि जितना सुंदर और जितना शांत तुम इसे अब देख रहे हो, असल में ये अब बिल्कुल ऐसा नहीं है। नए साल की पहली रात को हमारे गांव पर अटैक हो जाता है और अटैक करने वाला और कोई नहीं बल्कि यहाँ के विलेजर्स ही थे। उन्होंने एक एक करके हमारे यहाँ के सोल्जर को मारना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से हमारे यहाँ के काफी सारे सोल्जर शहीद भी हो गए थे और देखते देखते उन्होंने पूरे विलेज पर कब्जा कर लिया था। और ये लड़ाई देखने के बाद मैं और मेरे दोस्त काफी ज्यादा डर चुके थे, तो हमने सोचा कि भाई यहाँ से बाहर निकलते हैं क्योंकि इतने सारे विलेजर से लड़ना इम्पॉसिबल है और अभी हमें लड़ना भी नहीं आता क्योंकि हमारी ट्रेनिंग बीच में रुक गई थी। और उसके बाद हम गाँव की सबसे ऊंच वाली चोटी पर चले गए थे ताकि हम वहाँ से निकल सके, क्योंकि वहाँ से निकलने का बस अब यही एक रास्ता था। और उसके बाद हम वहाँ से भाई एक एक करके कूद गए थे। वैसे नीचे नदी थी तो हमें ज्यादा चोट लगी नहीं थी, लेकिन अब तुम्हें से काफी ज्यादा लोग पूछेंगे कि भाई तू अपने लोगों को धोखा कैसे दे सकता, तू भाग कैसे गया। वेल, इसके काफी सारे रीजन है वो मैं तुम्हें फिर कभी बताऊंगा और इसी वजह से तुम्हें ये वीडियो बना रहा हूँ, राइट। लेकिन इस वाली वीडियो में हमारे काफी ज्यादा तगड़े ऑब्जेक्टिव होने वाले हैं, जिसमें से हमारा पहला ऑब्जेक्टिव होने वाला है कि अपने लिए एक बहुत ही ज्यादा तगड़ा सा आर्मर बनाना है, जो कि एक गोल्ड लेवल का आर्मर होने वाला है। हमारा दूसरा ऑब्जेक्टिव होने वाला है कि हमें एक बहुत ही बढ़िया सा घर बनाना है जहाँ पर हम और हमारे बाकी प्लेयर साथी आराम से रह सके, क्योंकि एज ए कैप्टन हमें उनका भी तो ख्याल रखना है और कैप्टन मैं हूँ यहाँ पे। और हमारा तीसरा ऑब्जेक्टिव होने वाला है कि हमें एंडर ड्रैगन और विदर को दोनों को खत्म करना है, जिसे मारने के बाद हमें एक बहुत ही खास चीज मिलेगी और उस खास चीज को मैं तुम्हें वीडियो के आगे बताऊंगा। और हमारा लास्ट और आखिरी ऑब्जेक्टिव है रिवेंज। हाँ, हम अपनी बहुत बड़ी सेना बनाएंगे और उसके बाद हम की मेन बेस पर जाके अटैक करेंगे, जो कि एक छोटी मोटी लड़ाई नहीं होने वाली, इसमें काफी ज्यादा मजा आने वाला है। तो वीडियो तक पूरा देखना और अगर पसंद आए तो लाइक कर देना। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं तुम्हें अपनी टीम से मिलवाना चाहता हूँ। तुम्हारी टीम के पहले मेंबर है विस्क्राफ्ट, जो कि एक विच का रोल कर रहे हैं और इनके पास एबिलिटी है कि ये पोशन वगैरह बना सकते हैं और जब हमें मदद चाहिए तो हमें दे भी सकते हैं। हमारी टीम का अगला मेंबर है चिराग, जो कि तुमने मेरी पहली वीडियो में देखा होगा कभी, क्योंकि ये एक नूब है, उसे माइनक्राफ्ट को खेलना नहीं आता। इसका पावर है कि ये अपना इल्यूजन क्रिएट कर सकता है और तो कुछ ज्यादा खास पावर है नहीं इसमें। हमारी टीम का अगला मेंबर है गेमबीट, जिसका पावर है कि इसमें बहुत ज्यादा तगड़ी स्ट्रेंथ है कि एक दो हिट में किसी को भी मार सकता है। सच बताऊं तो मुझे ऐसी स्ट्रेंथ चाहिए थी पर मुझे नहीं मिली। हमारी टीम का अगला मेंबर है गोल्ड टाइज, जिसके पास पावर है कि अपनी वैक्स छोड़ सकता है और उसे थोड़ा बहुत काला जादू भी आता है तो कर देगा बीच बीच में। और अब बारी आती है तुम्हारे सबसे प्यारे स्मार्ट हैंडसम प्लेजर की, जो कि मैं बना हूं। और इसके पास पावर है कि ओ विश भाई, इसके पास पावर कौन सी है भाई? तेरा कैरेक्टर बेरोजगार है साला, मजदूर की। और ठीक है भाई, ठीक है। और ऐसी तारीफ सुनने के बाद मुझे तो मुंह दिखाने लायक भी नहीं छोड़ा इन लोगों ने। और फिर तुम कहते हो कि मैं फेस सिविल नहीं करता, नहीं बताओ मैं किस मुंह से फेस सिविल कर दूं इसके बाद? बेकार है भैया, मैं तो टूट गया मैं तो अब। लेकिन खैर छोड़ो, वीडियो शुरू करते हैं अब। ओके, तो वहाँ से तो हम जैसे तैसे भाग चुके थे, लेकिन वहाँ से गिरते वक्त हमारी सबकी बहुत ज़्यादा हेल्थ कम हो चुकी थी। मेरे पास थोड़े बहुत वेट थे पर इतना नहीं थे कि हम सबका पेट भर सके, तो वो थोड़ी दिक्कत हो सकती थी। पहले तो हमने डिसाइड किया कि इस वाले एरिया से थोड़ा दूर चलते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि कोई हमें देख ले और हमारा पीछा करता हुआ वहाँ तक आ जाए। तो हम थोड़ा सेफ खेल रहे थे क्योंकि हमारे साथ काफ़ी सारे लोग हैं और हम नहीं चाहते कि किसी की भी जान जाए। लेकिन एक चीज़ मैं भूल चुका था कि हम सबके पास तो यार पावर है ना, जैसे कि विच के पास यार पोशन बनाने की पावर है, विच कोई सही पोशन बना सकती है। तो मैंने इससे लाइट विजन मांगा था और अपनी हेल्थ को बढ़ाने के लिए रीजनरेशन भी मांगा था, जिसको हम सबको मिल गया था वो वाला इफेक्ट। तो हम सब अच्छी खासी दांत में देख भी सकते थे और हमारी हेल्थ भी फुल हो रही थी। बस इसके बाद हंगर बढ़ाने वाला पोशन नहीं था, वो अलग बात है, लेकिन खाने पीने का तो हम जुगाड़ कर ही लेंगे। उसके बाद फिर मैंने यहाँ से थोड़े बहुत पेट तोड़ने शुरू कर दिए थे क्योंकि मुझे क्राफ्टिंग टेबल बनानी थी। वैसे देखा जाए तो यार हमारी किस्मत इतनी ज्यादा बुरी भी नहीं है, क्योंकि विच हमारे साथ है तो हमारे एक एडवांटेज तो है इसके पास, और दूसरा हमारे पास विंडिकेटर है जो कि किसी को भी एक दो मुक्के में हरा सकता है। मतलब कोई ज़ॉम्बीज वगैरह पंगा लेगा तो उसे मार देगा। वो अलग बात है कि अभी हमारी सारी पावर अनलॉक नहीं हुई है, जैसे कि विच के पास सिर्फ 2-3 पोशन की रेसिपी है, उसके अलावा और कोई पोशन बना नहीं सकती है। पर हाँ, धीरे धीरे हम अपनी जैसे अपनी ट्रेनिंग पूरी करेंगे तो उसी के साथ साथ हमारी पावर भी अनलॉक हो जाएगी। पता नहीं यार मेरे पास कोई पावर क्यों नहीं है, सोचना पड़ेगा इसके बारे में। तो क्योंकि मुझे बस इन्होंने एक बो पकड़ा दिया था और 8 एरो पकड़ा दिए थे, अब इनसे मैं क्या ही उखाड़ दूंगा। मतलब कुछ दबदबा वाली पावर चाहिए थी मुझे, उड़ा ही देते मुझे तो मैं तो उड़ने में घुसता। सच बताऊं तो देखो प्लेजर की लाइफ थोड़ी सी हार्ड तो है, जो कि मुझे लगा। और उसके बाद हम वहाँ से आगे एक तरफ बढ़ चुके थे क्योंकि अभी हमें रात को गुजारने के लिए एक छोटी सी केव चाहिए थी ताकि हम वहाँ पे अपना मीटिंग वगैरह बैठा सके। और सुबह होते ही हम वहाँ से बाहर निकल गए थे क्योंकि अभी हमें जाना था टीम वर्क करने, क्योंकि मैं और चिराग एक टीम में रहेंगे, क्योंकि चिराग को बिल्कुल खेलना नहीं आता और मैं नहीं चाहता कि ये मर जाए, तो ये मेरे साथ रहेगा। और विस्क्राफ्ट, गेमबिट और गोल्ड आइस एक टीम में रहेंगे, ये सारे माइनिंग करने जाएंगे। और मैं और चिराग आसपास का एरिया स्कैन करेंगे कि आसपास कोई विलेजर गार्ड तो नहीं है या कोई विलेजर तो नहीं है जो कि यहाँ पे नजर रख रहा हो। लेकिन उसके लिए हमें थोड़ी सी प्रिपरेशन करनी होगी, इसलिए मैंने यहाँ पे अपनी थोड़े से बेसिक टूल्स वगैरह बना लिए थे। एक पिकैक्स बनाई थी, एक मैंने एक्स बना ली थी और थोड़े से मैंने यहाँ पे ग्लोबल स्टोन इकट्ठे कर लिए थे ताकि हमें अगर स्टोन के टूल्स वगैरह बनाने की जरूरत पड़ जाए तो हम बना लेंगे। और उसको
तो हमने सोचा कि हम समुद्र के किनारे जाएंगे क्योंकि ये थोड़ा सेफ रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ज़ॉम्बीज़ वगैरह भी नहीं होंगे। मतलब थोड़े बहुत सी ज़ॉम्बीज़ हो सकते हैं पर वो इतनी डेंजरस नहीं होंगी, बस ट्राइडेंट वाला बंदा ना मिल जाए। काफी देर चलने के बाद हम एक छोटे से आइलैंड पहुंचे थे क्योंकि हमें कुछ भी नहीं मिला था। मैंने सोचा था कि आगे जाके हमें कोई शिप वगैरह मिल जाएगी तो वहाँ पे थोड़े डायमंड वगैरह मिल जाएंगे, पर वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था। तो हमने सोचा कि छोटे से आइलैंड पे रहते हैं, थोड़ी बहुत यहाँ पे लकड़ी वगैरह कलेक्ट करते हैं, तो कि हमें दिखाना भी होता है कि हमने क्या क्या कलेक्ट करके लाए। तो लकड़ियाँ ही कलेक्ट कर लेते हैं तो क्योंकि रात हो गई है और हमें सोना भी है। तो मैंने सोचा कि ये थोड़ा बहुत खाने पीने का इंतजाम करते हैं। और सामने की तरफ यहाँ पे मुझे थोड़ी सी शिप दिख गई थी और थोड़े से पिक दिख गए थे, तो हमने उन्हें मारा और उन शिप को मारने से हमें वूल भी मिल गई थी तो हम अपने बेड ही बना सकते थे। तो उसके बाद हमने इन सबको मार दिया था और इस टाइम पर यार चिराग गायब हो गया था, तो मैं भाई उसे ढूंढने लगा था कि वो गया कहाँ। अभी चिराग भाई तू है कहाँ? चिराग भाई कुछ नहीं ने मारना था यार। अच्छा प्रो बन गया हूं ना मैं। अबे मार की सलाह ये हो है तेरे हाथ में, कुल्हाड़ी तो तुम्हारे कम से कम। अच्छा और यहाँ पर मेरी एक हंगर बार बच रखी थी तो मैंने यहाँ से जल्दी से एक फर्नेस बनाया था, उस पर अपना खाना जितने मेरा मीट वगैरह था मैंने सब यहाँ पे पकाने को रख दिया था। और उसके बाद यहाँ पे मैंने भाई अपने बेड वगैरह बना लिए थे तो मैंने उन्हें यहाँ पे रख दिए थे। मैंने चिराग के लिए बना दिया था क्योंकि इसे थोड़ी दिक्कत हुई थी बनाने में। देख लो भाई कितनी अच्छी तरह से ध्यान रख रहा हूँ मैं इसका, और तुम लोग आगे जाके देखना भाई जब इसकी ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी ये मेरे साथ क्या करेगा। अभी तो इसने बस शुरुआत ही की है। और उसके बाद यहाँ पे रात हो गई थी तो हम दोनों ही सो गए थे। और अगले सुबह उठने के बाद हमने यहाँ पे अपने सारा सामान वामान इकट्ठा करा था और हम अपने वापस घर की तरफ जा रहे थे, लेकिन उस टाइम मैं यहाँ पे ऐसा ऐसे रास्ता भूल गया था। अभी चिराग भाई तुझे ये पता है कि हम कोऑर्डिनेट क्या थे हमारे घर के? हम तो भाई रास्ता भूल गए। अब कैप्टन तू है मैं हूं? नहीं मेरे कोऑर्डिनेट चेक करने आ पता कैसे लगते हैं? स्क्रीन पे वो F3 दबा के कुछ होता है। अबे मेरे स्क्रीन पे हड्डियां हार्ट वगैरह बने आ रहे हैं, ये कुल्हाड़ी वगैरह। तो इसलिए मुझे रिकॉर्डिंग बंद करके वापस जाके देखना पड़ा कि हमने किस वास्ते आया था, और कुछ मैंने विस से कोऑर्डिनेट ही पूछ लिए थे। तो यहाँ पर मेरी थोड़ी सी मदद हो गई थी, नहीं तो यार मैं और चिराग तो पता नहीं कब आते वापस मेरे घर। और उसके बाद हम वापस से अपने घर पे, मतलब घर तो नहीं है हमारा छोटा सा बेस पे आ गए थे। और यहाँ पे मुझे दिखे कि यहाँ पे थोड़े बहुत अमीर लोग आ चुके थे क्योंकि इनके हाथ में थी भाई आयरन की पिकैक्स। और हम लोग क्या लेकर आए? हम लोग भाई डंडियाँ लेकर आए, बस इस वुड के अलावा हम और कुछ मिला ही नहीं था। और जो खाना वाना था तो भाई वो भी हमने वहीं खा लिया था, थोड़ा बहुत खाना बचा था तो मांगते तो मैंने दे देता, लेकिन अभी तो मुझे थोड़ी बहुत आयरन की जरूरत है क्योंकि मुझे आयरन के टूल्स वगैरह बनाने हैं। तो वैसे तो इनके पास काफ़ी सारा आयरन था, ये तीन थे तो काफ़ी सारा आयरन माइन करके आए थे। तो मैंने इनसे कहा कि भाई हमारे लिए भी थोड़ा आयरन का आर्मर वगैरह बना दो। तो भाई विस ने मुझे यहाँ पे ऐसे आयरन का हेलमेट और आयरन के बूट वगैरह दिए थे, और मुझे थोड़ा सा और आयरन और चाहिए था ताकि अपने टूल्स वगैरह बना सकूँ, तो मुझे गेम बीट ने दे दिए थे। उसके बाद मैंने उस आयरन से अपने टूल वगैरह बना लिए थे, और मेरे पास चेस्ट प्लेट भी नहीं थी तो मैंने चेस्ट प्लेट बना ली थी। यहाँ पे न्यूज ईयर चल रहा था तो ऐसे माइनक्राफ्ट वालों ने अपनी चेस्ट चेंज कर दी थी, वैसे देखा जाए तो बढ़िया लग रही चेस्ट, कुछ वो नहीं कह सकते। और यहाँ पे हम भाई बेड के लिए लड़ रहे थे क्योंकि मैं जो बेड बना के लाया था, मैं दो ही बेड बना के लाया था मेरे लिए और अपने चिराग के लिए। तो यहाँ पे ना हम सब की लड़ाई हो गई थी कि बेड पे कौन सोएगा, वैसे दिन निकलने वाला था तो हम सब ऐसे मजे लेने लगे क्योंकि वो उस टाइम में तो बढ़ाना होता है। अच्छा तरीका है। वैसे तो इन्होंने काफ़ी सारी माइनिंग करी है क्योंकि इन्हें काफ़ी सारा रेस्टोन भी मिल गया था, लैपिस भी मिल गई थी और दो डायमंड मिल गए थे। तो दो डायमंड किसी काम के होते नहीं है, वैसे तलवार बना सकते हैं पर मैंने सोचा पता नहीं किसके होंगे तो मैंने इसे यूज़ नहीं करा। और सुबह होने के बाद हमारी यहाँ पे वापस से टीम बढ़ चुकी थी क्योंकि ये तीनों जाने वाले थे वापस से एक नए एडवेंचर की तरफ, और मैं और चिराग वापस से एक साथ हो चुके थे क्योंकि इस बार हम समुद्र की तरफ नहीं जाने वाले, हम जाने वाले जंगल की तरफ क्योंकि इस बार हमारे पास एक आर्मर है और हमारे पास तलवार भी है। और मैंने थोड़ी बहुत फाइटिंग वगैरह चिराग को सिखा दिया है तो उम्मीद है कि वो मरे ना, बस दुआ तो यही करना। और आगे जाने के बाद हमें यहाँ पे एक रूइन पोर्टल मिल गया था क्योंकि ये हमारी सबसे बड़ी एडवांसमेंट थी क्योंकि दो दिन से हमें घूम रहे और हमें कुछ भी नहीं मिल रहा था। इसकी जब चेस्ट खोली थी तो उसके अंदर एक ही अच्छी काम की चीज मिली थी, वो थी यहाँ पे गोल्डन एप्पल जो कि मैंने चिराग को दे दिया था क्योंकि चिराग को उसकी मुझसे ज्यादा जरूरत है। तो मैंने सोचा कि भाई मुसीबत का इसकी जरूरत पड़ेगी तो फिर मैं थोड़ा आगे की तरफ चलने लगा था। वैसे यहाँ पे गोल्ड का ब्लॉक था, मुझे माइंड कर सकते थे पर मैं भूल गया था उस टाइम। लेकिन यहाँ पे कहानी में थोड़ा ट्विस्ट आता है क्योंकि गेम बीट की टीम अलग डायरेक्शन में गई थी और मैं और चिराग अलग डायरेक्शन में गए थे, तो यहाँ पर उन्हें एक विलेज दिख जाता। तो डेटल भाई हमें एक विलेज मिल गया, जल्दी से आप लोग भी आ जाओ, यहाँ पे विलेजर भी हैं। ठीक है अपने कोटिन भेजो। विश चलना है क्या? हाँ हाँ चलते हैं, चलो थोड़े बहुत विलेजर होंगे आराम से मार के आते हैं, लूटपाट कर लेंगे मस्त एकदम। ठीक है तो आप कोटिन भेज दो, मैं हम आ रहे हैं। ओके। और जैसे मैंने ये सुना कि हमें विलेज मिल चुका है भाई, सब मेरी छाती में से दिल निकल के नाचने लगा। तो विलेज मारने में हमें थोड़ा सा टाइम लग गया था, लेकिन ओके भाई विलेज कार्ड पे ऐसे धक्का दे दे ओके भाई मर गया ना। हाँ ओके, तो विलेज मारने में हमें थोड़ा सा टाइम लग गया था लेकिन मैं और चिराग भाई आ गए थे। और नीचे की तरफ भाई गेम बीट है और हमारी बीच भी खड़ी है, जैसे बीच तो मैं देख पा रहा हूँ और बाकी के लोग मुझे दिख नहीं रहे क्योंकि वे नीचे से अटैक करेंगे और हम ऊपर से अटैक करेंगे। तो ऐसा कुछ हमने प्लान बनाया है क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई भी इनमें से विलेजर गार्ड यहाँ से चला जाए और वो बाहर जाके किसी और को बता दे और वो हम पे अटैक कर दे, तो हम थोड़ा सेफ खेल रहे थे। उसके बाद हमने एक एक करके इन सारे विलेजर गार्ड को मार दिया था और इन सब में जो भी चीज़ मिल रही थी हम उन्हें अपनी इन्वेंट्री में रख रहे थे। यहाँ पे एक बच्चा घूम रहा था तो मैंने उसे मारा नहीं क्योंकि हम बच्चों को नहीं मारते, देखा कितने अच्छे विलेजर हैं हम, लेकिन
पहाड़ों को मारेंगे हम, क्योंकि उन्होंने हमें मारा है और यहाँ पे तो दो तीन सुअर थे तो मैंने उन्हें मार दिया था, इनके हेबल चुरा लिए थे, क्योंकि खाने वाने के लिए हमें चीज़ें चाहिए, क्योंकि अभी हमें अपनी एक बहुत बड़ी सेना भी बनानी है, तो उसके लिए हमें भाई थोड़ा बहुत तो मतलब उनके लिए खाने पीने के लिए चाहिए। और उसके बाद हमने उनका एक एक करके घर भी जला दिया था, और वो बच्चा पत्नी भाई इधर किधर घूम रहा होगा या मर गया होगा तो हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दिमाग होगा तो भग जाएगा यार यहाँ से। वहाँ से जाने के बाद मैं थोड़ा सा इनसे बिछड़ गया था और मैंने यहाँ पे थोड़े बहुत कोल देखे, तो मैंने इनवाइन करने लगा था, और जब मैं इनके पास गया था तो मुझे पता चला कि इन्होंने नेदर पोर्टल बना रहे हैं ये। और उसके बाद हमने इस नेदर पोर्टल को लाइट अप कर दिया था, और नेदर जाने के हमारे दो खास रीजन थे। सबसे पहला तो हमें एंडर ड्रैगन को हराना है, तो हमें ब्लेज रोरा का चाहिए, और दूसरा हमें स्कल भी चाहिए, और तीसरा एक और रीजन है जो तुम्हें वीडियो के आगे जाके पता चलेगा। लेकिन मैं तुम्हें एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ये वाली बायोम सबसे खराब बायोम है यार, मुझे बहुत ज़्यादा गंदी लगती है, क्योंकि यहाँ पे यार बहुत ज़्यादा स्लो हो जाते हो, मतलब कूद वूद नहीं सकते, अंदर की भड़ास निकाल रहा हूँ बस मैं। और थोड़ी देर आगे चलने के बाद हम एक ऐसे मोड़ पे खड़े हो गए थे जहाँ पे हम ना आगे जा सकते थे ना पीछे जा सकते थे, क्योंकि हमें एक छोटे से आइलैंड पे स्पॉन कर दिए थे, मतलब ये बायोम थी छोटे से आइलैंड पे स्पॉन थी, और हमें लावा में कूदना पड़ेगा। तो हमने सोचा कि विच का सारा लेते हैं, और विच ने यहाँ पे हमने फायर रेजिस्टेंस वाला पोशन फेंक दिया था, और उसकी वजह से हम भाई लावा में तैर सकते थे। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी दिक्कत हो गई थी कि मेरे कैरेक्टर को यहाँ पे तैरना भी नहीं आता। सच बताऊँ तो ये मुझे लगा था कि इसे थोड़ा बहुत यार तैरना तो आया होगा, क्योंकि ना तो उसके पास कोई पावर है, मुझे अब तक इसकी पावर का भी नहीं पता, हो सकता है कि आगे जाके कुछ अच्छी सी पावर मिल जाए मुझे, उम्मीद तो मैं यही कर रहा हूँ। लेकिन अभी तो फिलहाल मुझे लावा को क्रॉस करना पड़ेगा। ओके ठीक है, थोड़ा टाइम लग रहा है इसमें, मैं वीडियो को काट दूंगा। लेकिन इसे मुझे पता है एक चीज़ सबसे बढ़िया क्या लगी, कि मैं नीचे जाके भाई डैमेज वगैरह माइन कर सकता हूँ, तो ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। बस मुझे उदुआ ये करनी थी कि जब तक हम डैमेज माइन करने आए तो ये तैरने लग जाए। पता चला मेरी बात ये दिल पे लेगा, भाई तू बहुत अच्छा है, तू तैर नहीं रहा, मुझे पसंद है तू। और आगे की तरफ जाने के बाद हमें यहाँ पे एक फोर्ट्रेस भी मिल गई थी, लेकिन ये वाली फोर्ट्रेस काफी ज्यादा बड़ी थी, लेकिन छोटी सी दिक्कत थी इसमें, क्योंकि यहाँ पे ना भाई वीदर स्केल्टन वगैरह कोई स्पॉन हो नहीं रहा था, इसके बारे में तो कुछ सोचना पड़ेगा। लेकिन यहाँ की चेस्ट में भी कुछ ज्यादा खास सामान था नहीं, मतलब ऑब्जेक्ट मिल गए थे, ये थोड़ी अच्छी बात थी, क्योंकि हम उससे एंचेंटमेंट टेबल बना सकते हैं। आगे जाने के बाद मुझे यहाँ पे अपना सबसे पहला वीदर स्केल्टन मिल गया था, जो कि ये कुछ कर नहीं रहा था, मतलब दो तीन हिट में मर गया था। आगे जाने के बाद मुझे यहाँ पे एक ब्लेज का स्पॉनर दिखा था, तो मैंने यहाँ से सोचा कि एक दो ब्लेज रोड कलेक्ट कर लेते, वैसे तो गेम बीटने और आगे बाकी सबने ब्लेज और कलेक्ट कर ली थी, तो मैंने सोचा एक तो मैं भी ले लेता हूँ, नहीं तो मुझसे पूछेंगे तू क्या लाया तो मैं बता सकता हूँ ना। और एक भाई इन्हें देखो भाई, ये बंदे पूरी शक्तियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, बस मेरे पास ही नहीं है, लेकिन मैं भी अपनी शक्ति अनलॉक करूंगा अगर होगी तो। वैसे तुम्हें क्या लगता है यार, ब्लेजर के पास कोई पावर होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? और सामने की तरफ यहाँ पे एक छोटा सा बेशन था, तो हमने सोचा भाई इसमें थोड़ी सी लूटपाट करते हैं। आगे की तरफ मुझे यहाँ पे एक चेस्ट दिख गई थी, जो कि मैं लूटने वाला ही था, तभी गेम बीट ने मुझे धक्का दे दिया और चेस्ट ले ली। खैर छोड़ो, हमें आगे जाके एक और चेस्ट मिल गई थी जिसके अंदर भाई डायमंड की शवल थी, और आगे जाके हमें एक डबल चेस्ट मिली थी जिसके अंदर कुछ ज्यादा खास सामान था नहीं, तो हमने आगे की तरफ बढ़ गए थे। और जो ऊपर मेन वाली चेस्ट होती है वो तो इन दोनों ने पहले लूट ली थी, मेरे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। बहुत सही यार, एक डेबरी दे देते, एक स्क्रैप ही दे देते, मैं तो उसमें खुश हो जाता। काफी सारी लूटपाट करने के बाद हम वापस से अपने ओवरवर्ल्ड में आ चुके थे। ओबे भाई ये क्या बैठा है, देखियो क्या है, मकड़ी के ऊपर स्केलेटन बैठा है। अबे हाँ ये आते रहते हैं, स्पॉन होते रहते हैं, मार दूं इसको मैं? हाँ मार दे, बस बच के रहियो, तुझे ना मार दे। अभी मारता हूँ साले। उसके बाद मैं और गेम बीट माइनिंग करने के लिए आगे गए थे, क्योंकि अभी हमारे पास सारे आयरन वगैरह खत्म हो गए थे, और जो हमारे आयरन के टूल्स वगैरह है तो वो भी थोड़े कम हो गए थे। आगे जाने के बाद यहाँ पे मुझे दो चेस्ट मिली थी जिसके अंदर से मुझे गोल्डन एप्पल मिल गए थे, और आगे एक और चेस्ट थी तो उसके अंदर से मुझे एक गोल्डन एप्पल मिल गया था और थोड़ी सी टॉर्च मिल गई थी। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि मेरी किस्मत थोड़ी चमकने वाली है, लेकिन मुझे नहीं लगता यार ये चीज़ ज़्यादा देर तक चलेगी। और उसके बाद फिर मैं वापस से अपनी माइनिंग करने लगा था, मैंने यहाँ पे काफ़ी सारे आयरन ढूंढने थे, तो मैं आयरन ढूंढने लगा था। और आगे जाने के बाद मुझे यहाँ पे जिंदगी में पहली बार एक एमरल्ड का ओर मिला था, मतलब जैसे मैं माइनक्राफ्ट खेल रहा हूँ वैसे ऐसे मेरा पहली बार ही होगा मैंने कभी एमरल्ड का ब्लॉक देखा है। और ये वाला वर्ड हम 1.16.5 में खेल रहे हैं, तो हो सकता है कि पहले कभी हुआ करता होगा, तो मुझे नहीं पता यार तुम्हें मिला है क्या, तुम यार कमेंट सेक्शन में बताओ यार, मुझे पहली बार मिला है। और उसके बाद यहाँ पे सब अपने घर की तरफ आ चुका था, मतलब घर तो था नहीं पर हाँ छोटा सा बेच यहाँ पे हम अपना घर बनाने वाले थे। उसके बाद यहाँ पे मैं चिराग को थोड़े टूल्स वगैरह बनाने सिखा रहा था कि कैसे कैसे टूल्स वगैरह बनते हैं। और उसके बाद हम वापस से लग गए थे अपना घर बनाने के लिए, और उसका एक छोटा सा टाइम लैप्स है, तो प्लीज़ इन्जॉय करना, हो काफ़ी मेहनत लगी यार इस घर को बनाने में, तो इन्जॉय करो। Thank you.
और फाइनली यहाँ पे हमारा घर भी बन चुका है और देखो देखने में काफी ज्यादा प्यारा लग रहा है। मैंने सारी मेहनत की है, मैं ही था घर का मजदूर ठेकेदार जो भी बोलना है, तो पर मैंने काफी मेहनत करी है सच में। और अंदर से अभी थोड़ा खाली खाली से लग रहा है, हमें पता हमने कुछ ज्यादा अंदर से इंटीरियर डिजाइन नहीं किया, पर बाहर से देखने में काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है। और हमारी सीढ़ी भी थोड़ी छोटी है, मतलब एक टाइम पे एक ही आदमी जा सकता है, तो संभल के जाना। अगर मैं ये वाला वर्ल्ड की लिंक तुम्हें डाउनलोड लिंक में दे दूंगा तो तुम वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन अभी हम यहाँ पर अपनी एक मीटिंग स्टार्ट करने वाले हैं। तो भाई देखो घर बनाने लग गया बहुत ज्यादा टाइम, तो अब ऐसा करते हैं जल्दी जल्दी करने के लिए हम लोग पोज लेने चलते हैं, क्योंकि हमारे बस की तो है नहीं अकेले विलेजर को हराना। तो ऐसा करते हैं मैं और डैड जिला प्लेजर आउटपोस्ट पे जाते हैं, वहां से हम प्लेजर को लेके आएंगे। और गेमबिट भाई और चिराग तुम दोनों वुडलैंड मेंशन पे जाओ और वहां पे विंडिकेटर को ढूंढो, और लगे हाथ इवोकर भी देख लेना हमारा गोल्ड लाइस कहाँ रह गया, और अगर हो सके तो थोड़े से उसकी और भी पोज लेके आ जाना। ठीक है। और इधर उधर भटकते भटकते हमें यहाँ पे आउटपोस्ट मिल चुका था। वैसे मुझे पहले ही पता था, लेकिन बस मैं लोकेशन भूल गया था, इसके कोऑर्डिनेट भूल गया था कहाँ पर है। सामने की तरफ यहाँ पे एक और प्लेयर था जो कि मेरे जैसा था, तो मैंने इससे पूछा कि भाई तुम्हारा कैप्टन कहाँ है। तो इसने मुझे बताया कि कैप्टन तो अभी शिकार पर गई है, उन्हें आने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो मैंने गेमबिट और चिराग को भाई आगे की तरफ भेज दिया था कि भाई तुम आगे की तरफ जाओ, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत ज़्यादा कम है और घर बनाने में हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था, तो हम बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। और शाम होते ही इनका कैप्टन भी आ चुका था। वैसे बता दूँ मैं और ये कैप्टन काफ़ी पुराने दोस्त है, और हमारी दोस्ती कैसे हुई वो तुम्हें फिर कभी बताऊंगा। और यहाँ पर मैं इसे अपनी पूरी कहानी बता रहा था कि हमारे साथ क्या क्या हुआ था। और तुम्हें जरा सा भी आइडिया है कि तुम किससे लड़ रहे हो? हाँ मुझे आइडिया है, उन लोगों ने मेरा पूरा गांव जला दिया था। तुम कैसे जीते हो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यकीन मानो तुम्हारे मरने पर सबसे ज्यादा फर्क मुझे पड़ेगा। तुम मेरे दोस्त हो तो इसलिए मैं तुम्हारी सेना दे दूंगा, लेकिन मुझसे वादा करो कि कुछ भी हो जाए अब जंग से पीछे नहीं हटोगे। और हाँ, इस वाली जंग से जितना भी सामान मिलेगा वो सब उन परिवारों में बैठेगा जिनके लोग शहीद हुए हैं। ठीक है, मुझे मंजूर है। तो फिर तेरा मैं तुम्हें अपनी सेना देने को तैयार हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैंने अपनी दोस्त से बात कर ली थी, लेकिन अभी मुझे जाना है माइनिंग करने, क्योंकि मेरे पास डायमंड का आर्मर भी नहीं है। तो फटाफट से डायमंड की माइनिंग करने चलते हैं। और आगे चलने के बाद यहाँ पे मुझे थोड़ी बहुत डायमंड मिल गई थी, वैसे मुझे अपना डायमंड का आर्मर बनाना है। उसके बाद मैंने यहाँ पे काफी देर तक माइनिंग करी थी, और सच कहूं तो मेरी किस्मत काफी ज्यादा खराब थी, क्योंकि मैं यहाँ पे आधे घंटे से माइनिंग कर रहा था, मेरी पिकैक्स वगैरह सारी टूट गई थी और मुझे एक भी डायमंड नहीं मिला। हाँ, जो स्टार्टिंग में दो डायमंड मिले थे ना, बस वे दो डायमंड थे। मैं आधे घंटे तक यहाँ पे माइनिंग कर रहा था, मतलब गोल्ड वगैरह की तो मुझे मिल रहे थे, लेकिन डायमंड एक भी नहीं मिला। काफी ज्यादा खराब किस्मत है यार मेरी तो। उसको मैं वापस अपने घर की तरफ आ चुका था। घर पे आने के बाद मुझे पता चला कि हमें वुडलैंड मेंशन जाना है, क्योंकि गोल्ड आइस ने एक काला जादू सीखा है जिसकी वजह से अगर हम मर जाए तो हम वापस से जिंदा हो सकते हैं। और वो क्या जादू सीखा वो तो वहीं जाके पता चलेगा। तो पर उससे पहले मैं अपनी डायमंड का आर्मर बना लेता हूँ। और यहाँ पे मेरे पास डायमंड थोड़े से कम पड़ गए थे, क्योंकि मुझे मिले भी नहीं थे। मैं बस अब तक पूरी वीडियो में सिर्फ दो ही डायमंड लाया हूँ मैं। तो पूरा आर्मर बनाने के लिए मुझे थोड़ी सी भीख मांगनी पड़ी गेम बीट से, तो गेम बीट ने मुझे यहाँ पे थोड़े से डायमंड दे दिए थे, जिसकी वजह से मैंने अपना पूरा डायमंड का आर्मर कवर कर लिया था और मैंने थोड़े बहुत टूल्स वगैरह बना लिए थे। उसके बाद मेरे पास दो डायमंड बच चुके थे, अगर किसी को चाहिए तो मैं दे दूंगा। उसके बाद हम वुडलैंड मेंशन में पहुंच चुके थे, क्योंकि गेम बीट यहाँ पहले भी आ रखा था, तो गेम बीट को यहाँ पे रास्ता पता था। तो यहाँ पर हमें अंदर गए थे, तो यहाँ पे हमें विंडिकेटर मिल चुका था। उसके बाद इसने हमें बताया था कि इसने भाई टोटम बनाना सीख लिया, कि टोटम कैसे बनता है, और ये इसकी लिमिट भी है कि ये एक दिन में सिर्फ एक ही टोटम बना सकता है। वो ठीक है, मतलब एक दिन में एक टोटम बुरी भी नहीं है, पर हाँ इसने एक एक करके हम सबको एक एक टोटम दे दिया था, क्योंकि ये चार पांच दिन हो गए थे सीखते सीखते। उसके बाद मुझे थोड़ी सी बुकशेल्फ भी दिख गई थी, तो मैंने इन्हें चुरा लिया था, क्योंकि मुझे थोड़ी सी बुकशेल्फ चाहिए थी ताकि अपनी चीजों का एन्चेंटमेंट कर सके। और छत पर जब मैं गया था तो मुझे यहाँ पे एक विच मिली थी जो कि एन्चेंटमेंट गोल्डन एप्पल दे रही थी मुझे, लेकिन उसने कहा था मैं दो डायमंड के बदले दूंगी, और वैसे ये हमारी विच नहीं है, ये कोई और सी विच है। तो मैंने इसे कहा कि ठीक है भाई, डील बुरी भी नहीं है, और मैंने यहाँ से इससे एक एन्चेंटमेंट गोल्डन एप्पल ले लिया था। वुडलैंड मेंशन से निकलने के बाद हम सीधा चले गए थे स्ट्रॉन्ग होल्ड ढूंढने के लिए, क्योंकि हमारे पास ब्लेज रोड वगैरह सब है जो कि हम फोर्ट्रेस से गए थे, वहां से ले आए थे हम। और स्ट्रॉन्ग होल्ड भी काफी ज्यादा पास था हमारे बेस से, जहां पे हमने अपना घर बनाया था उसी सामने एक जंगल बायोम थी, उसी जंगल बायोम में यहां पर कहीं स्ट्रॉन्ग होल्ड था। और फाइनली यहां पे हम उसके अंदर भी आ चुके हैं, लेकिन अब यहां पे नीचे एक चेस्ट थी जो कि मुझे लूटनी थी, और सारे भाई कुत्तों की तरह भग रहे थे इसे लूटने के लिए। लेकिन यहां पे मुझे दो एन्चेंटमेंट बुक मिल गई थी, जिसके अंदर एक तो मेरी काम की थी, दूसरी मुझे पता नहीं, एक मेरे अंदर जैसे पावर भी थी जो कि मैं अपनी बो में लगा सकता था, उसमें इन्फिनिटी भी थी। तो ये वाली बुक काफी ज्यादा कमाल की थी, लेकिन अब मुझे बस स्ट्रॉन्ग होल्ड ढूंढना है। वो बहुत बड़ा चैलेंज था यार मेरे लिए, क्योंकि मुझे कभी नहीं मिलता। एक तो यार ये भूल भुलैया सी है, तो मैं खो जाता हूँ उसमें। थोड़ी देर घूमने के बाद मुझे फाइनली यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होल्ड मिल चुका था, लेकिन गेम बीट मुझसे थोड़ी सी पहले आ गया था। मतलब मुझे पता था गेम बीट जा रहा है, लेकिन बस थोड़ी सी लेट हो गया मैं, नहीं तो इस बार मुझे पहले मिल जाता। उसको हमने एक ही करके आई ऑफ द एंड लगा दी थी, और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होल्ड का गेट भी खुल चुका था। अब बस हमें एंडर ड्रैगन को हराना है, लेकिन इस वाले एंडर ड्रैगन को हराना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि इस वाले एंडर ड्रैगन को तुम बस उड़ते वक्त ही मार सकते हो, जब ये नीचे आएगा तो तुमसे टच भी नहीं कर सकते। और फिर एक एक करके हमने सारे क्रिस्टल फोड़ दिए,
ताकि अपनी हेल्थ को रिजनरेट ना कर सके। और हमें यहाँ पे लगा था कि हमने सारे क्रिस्टल फोड़ चुके हैं, लेकिन नहीं, एक बच गया था ऊपर, तो मैं पानी के सारे ऊपर गया और मैंने इसे फोड़ दिया था। और अब बारी आई थी सैंडर ड्रैगन को मारने के लिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा मुश्किल बात थी। हमें सैंडर ड्रैगन को मारने में कम से कम 10-20 मिनट लग गए थे, क्योंकि जब ये नीचे आता है तो हमसे टच भी नहीं कर सकते, पता नहीं गेम का ग्लिच है या पता नहीं क्या है। और एक बात, बस मरते मरते बचा था थैंक्स टू माय सर्वर, क्योंकि सर्वर को लगा कि मैं क्रिएटिव मोड से उड़ रहा हूँ और सर्वर ने मुझे निकाल दिया। और जब मैं वापस से रीजॉइन होने के लिए आया तो मैं थोड़ा स्लो हो चुका था और मैंने MLG कर दी। MLG कहते हैं कुछ कहते हैं ऐसे, हाँ MLG वाटर बकेट क्लिच कर दिया मैंने। और हाँ, मुझे सर्वर ने बैन दे दिया था, तो इसलिए तुम कहते हो ना क्रिएटिव यूज़ कर रहा है, नहीं भाई सर्वर से मैंने बंद कर रखी है सारी चीज़ें, तो सर्वर निकाल देता अगर मैं कभी करूँगा भी तो। हाँ, और यहाँ पे मैं ज्वाइन हो चुका था और यहाँ पे मैंने MLG कर दी थी। इतना सुकून मिला था ना मुझे, पहली बार कुछ ऐसा लगा कि हाँ मेरी किस्मत थोड़ी चमकी है मेरे साथ। उसके बाद मैं वापस से एंड ड्रैगन को मारने लगा था, लेकिन ये एंड ड्रैगन भाई मर के नहीं दिया था, क्योंकि इसकी हेल्थ काफ़ी ज़्यादा थी और भाई ये बस उड़ते वक्त ही मार रहा था। और एक तो मेरे एम भाई इतने तगड़े हैं ना भाई, लगते ही नहीं है कुछ तगड़े वगड़े नहीं है भाई, बेकार से एम है। लेकिन फाइनली काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने के बाद हमने एक एक तीर इसमें मारे थे, उसके बाद थोड़ी थोड़ी कम हो रही थी, लेकिन सब्र का फल मीठा होता है। और फाइनली यहाँ पे इसकी हेल्थ काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी थी और बल्ला हमने इसे मार दिया था। और लेकिन यहाँ पे इसने मुझे मार दिया था, क्योंकि मैं यार इसे एरो मारने की कोशिश कर रहा था, वो तो शुक्र है मेरे हाथ में टोटम फंड नहीं था, मैं बच गया थैंक्स टू इवोकर या विंडिकेटर जो भी था वो जिसने टोटम दिया है, काफ़ी अच्छा था वो। उसके बाद मैंने यहाँ से थोड़ी बहुत एक्सपी कलेक्ट करी थी और यहाँ पर मुझे काफ़ी अच्छी खासी एक्सपी मिल गई थी, जिससे कि हम अपनी चीज़ों को एंजॉय कर सकते हैं। और हाँ, मतलब ठीक था यार, ये गेम बिट नहीं मानेगा भाई, ये गेम बिट हर चीज़ में आगे निकल रहा है उससे। उसके बाद हमने यहाँ से ड्रैगन का एग कलेक्ट किया था और अपने घर की तरफ वापस से हो चुके थे। अब हमारा अगला ऑब्जेक्टिव है, हमें विदर को हराना है, क्योंकि विदर से हमें नेदर स्टार मिलेगा और नेदर स्टार हमें एक सिंबल के रूप में लेके जाना है, ताकि जब हम विलेज पर अटैक करें और अगर हम वहाँ पर जीत जाएंगे तो वो एज अ हमारी विक्ट्री काम करेगा, कि अपने बाकी प्लेयर को दिखाने के लिए कि हाँ हमने वहाँ पर कब्जा कर लिया है, अब तुम आ सकते हो। तो तुम समझ रहे हो ना मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ। उसके बाद हम भाई वहाँ पर नेदर में चले गए थे ताकि हम विदर हेड ले सके, और हम वापस से उस वाले आ चुके थे जहाँ पर विदर स्केलेटन बहुत ज़्यादा कम स्पोन होते हैं। और हाँ, और यहाँ पे हमें एक दो विदर स्केलेटन मिले थे और यहाँ पे चिराग भी भाई काफ़ी अच्छा खेलने लगा है। लेकिन भाई ये बंदा मुझे क्यों मारता है, ये बंदा भाई ये देखो भाई, अच्छे लोगों को यार मतलब लोग क्यों मारते हैं, मैं तो आराम से खेलने आया था यहाँ पर। और आगे जाने के बाद हमें यहाँ पे एक दो विदर स्केलेटन और मिल गए थे, और यहाँ पे तो भाई पूरी फौज ही थी इनकी, तो हमने एक एक करके इन सबको मार दिया था। और भाई विंडिकेटर भी भाई ये नहीं मानेगा भाई, ये बंदा एक दो हिट में किसी को मार देता है, ये खाली हाथ है, इसने कुल्हाड़ी वगैरह कुछ भी नहीं ले रखी थी जहाँ तक मुझे याद है, पर हाँ इसके पास हाथ में इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ है कि एक दो हिट में किसी को ही मार सकता था। और यहाँ पे देखो विदर हेड मिल चुका था, लेकिन वो चिराग के पास चला गया था। अगर तुम वीडियो को थोड़ा स्लो करके देखोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा, मैं थोड़ी एडिटिंग में कंजूसी कर देता हूँ तो मुझे माफ़ कर देना। लेकिन यहाँ पे मैंने इससे विदर हेड ले लिया था, क्योंकि मुझे तुम लोगों को दिखाना था कि मेरे पास विदर हेड है। हाँ, और यहाँ पे इसने मुझे विदर हेड दे दिया था और यहाँ पे मेरी एडवांसमेंट पूरी हो गई थी। लेकिन ऐसा नहीं है मुझे विदर हेड नहीं मिला भाई, मुझे भी मिला है। और आगे जाके मुझे काफ़ी सारे विदर मिले थे, मैंने उन सबको मारा था और यहाँ पे मुझे पहला अपना विदर हेड मिल चुका था। लेकिन मेरी इन्वेंट्री में यहाँ पे मुझे तीन विदर हेड दिखा रहा था, मुझे पहला पता मैंने चिराग से लिया था, दूसरा मुझे खुद मिला था, लेकिन तीसरा कहाँ से आया उसका मुझे कोई आइडिया नहीं है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारे विदर हेड हो चुके थे, क्योंकि तीन मेरे पास थे, एक चिराग के पास था और दो गेमबीट को मिल चुके थे और ऐसे एक विस्क क्राफ्ट के पास था। और वापस घर आने के बाद मैंने यहाँ पे अपना एक एन्चेंटमेंट रूम बना लिया था, ताकि मैं चीज़ों को एन्चेंट कर सकता हूँ। और यहाँ पे मैंने अपनी एंजॉयमेंट टेबल बना ली थी और एक एक करके मैंने अपनी सारी चीज़ों पे एंजॉयमेंट लगाना शुरू कर दिया था। बस हाँ, मेरे पास थोड़े लैपिस थोड़े कम पड़ गए थे तो मैंने गेम बीट से मांगे। लेकिन यहाँ पे मुझे काफ़ी अच्छे अच्छे एंजॉयमेंट मिल चुके थे, इतना तो भाई मैंने सोचा भी नहीं था। लेकिन मेरी तलवार में शार्पनेस 3 थी और मेरी पिकैक्स भाई फॉर्च्यून 3 लग गया था, एफिशिएंसी 4 लग गया था और मेरा आर्मर भी प्रोटेक्शन 4 प्रोटेक्शन 3 के आसपास था, तो मैं काफ़ी ज़्यादा खुश था यार। मतलब इतनी अच्छी किस्मत मैंने सोची नहीं थी मेरी होगी, पर हाँ वीडियो की स्टार्टिंग में नहीं थी, पर हाँ अब मेरी किस्मत थोड़ी चमक रही है। और मेरे पास एक इन्फिनिटी की बुक भी थी तो मैंने उसे अपनी बो में लगा लिया था, अब मेरे पास इन्फिनिटी वाला बुक है, मतलब काफी अच्छा। और इतनी सारी एंजॉयमेंट करने के बाद अब हमें विदर को भी हराना होता है, तो उसके लिए हम एक छोटी सी केव में आ चुके थे जो कि हमारे घर की थोड़ी सी पास थी। और यहाँ पर विस ने हम पे थोड़े एक दो पोशन फेंक दिए थे, ऐसे पोशन ऑफ स्ट्रेंथ तई वाला, और जिसने हमारी काफी ज्यादा मदद करी थी, क्योंकि इसके जो पॉइजन होता है वो अब हम पे थोड़ा कम काम करेगा। और यहाँ पर मैंने एक एक करके विदर को स्पॉन कर दिया था, और ये वाला विदर थोड़ा सा कमजोर था क्योंकि हमने इसे काफी जल्दी हरा दिया था, क्योंकि हम चार भी तो थे, ये भी तो बात माननी पड़ेगी, पर हाँ एंड ड्रैगन काफी ज्यादा तगड़ा था।
फाइनली यहाँ पे इसकी हेल्थ काफी ज्यादा कम हो चुकी थी और हम इसमें तलवार मार सकते हैं। तलवार तो मेरी काफी ज्यादा ओपी हो चुकी है और यहाँ पे गेमबीट भी मार रहा है तो गेमबीट का पंच भी तुम्हें पता होगा भाई। फाइनली यहाँ पे हमारे तीन ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन जो हमारा चौथा ऑब्जेक्टिव है ना भाई वो इन सबसे काफी ज्यादा खतरनाक है। मतलब ये तो कुछ भी नहीं था, क्योंकि अब जो तुम देखने वाले हो ना भाई वो इतना ज्यादा एपिक होने वाला है जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि इतनी ज्यादा तकड़ी लड़ाई थी ना वो वाली। तो बस देखो अब आगे क्या होता है। विदर को हराने के बाद हम चले गए थे नेदर में, क्योंकि अभी हमें अपना नेदरराइट का आर्मर बनाना था और यहाँ पे नेदरराइट कलेक्ट करने में मुझे इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं हुई थी। लेकिन हाँ यार डायमंड ढूंढने में मुझे काफी ज्यादा दिक्कत हुई थी और यहाँ पे एक डेब्री तो मुझे यहाँ पे मिल ही गया था, लेकिन यहाँ से लावा निकल गया तो सबसे पहले यहाँ पे ब्लॉक लगा दिया था और नीचे की तरफ यहाँ पे हमें एक डेब्री मिल गया था जो कि एक ही था। मतलब मुझे लगा था दो तीन तो मिल जाएंगे, लेकिन आगे चलने के बाद हमने काफी ज्यादा माइनिंग और करी थी और वहां से मुझे एक दो और मिल चुके थे। और काफ़ी ज़्यादा माइनिंग करने के बाद मैं अपने घर की तरफ आ गया था और मैंने धीरे धीरे अपनी पूरी आर्मर को नेदरराइट में कन्वर्ट कर दिया था। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे दो इंगेट बच चुके थे और अगर किसी को जरूरत होगी तो मैं उसे दे दूंगा। वैसे मैं इतना बुरा भी नहीं हूँ, क्योंकि डायमंड का आर्मर बनाते वक्त उन्होंने मेरी मदद करी थी तो हम भी मदद करेंगे उनकी। और यहाँ पर मेरी एडवांसमेंट भी खुल चुकी थी। मतलब काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है जब इसकी आवाज़ सुनता हूँ ना, टनन लगता है कुछ किया भाई। नेदरराइट का आर्मर बनाने के बाद हम चले गए थे एंड की तरफ, क्योंकि एंड में हमें वहाँ पे दो चीज़ मिलेगी, पहली इलाइट्रा और दूसरी रेवेजर का स्पून है। क्योंकि रेवेजर काफ़ी ज़्यादा मेन रोल प्ले करेगा उस लड़ाई में, क्योंकि हर लड़ाई में तुम्हें देखा होगा प्लेजर में जब रेड होती है तो रेवेजर आता है और रेवेजर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है और बिना रेवेजर के ये लड़ाई जीतना हम सबके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉसिबल था। तो इसलिए हमने सोचा कि हम अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे और एंड सिटी ढूंढेंगे, क्योंकि रेवेजर का एग सिर्फ हमें एंड सिटी में मिल सकता है। और इसलिए हम यहाँ पे चारों अलग अलग डायरेक्शन में चले गए थे। मुझे यहाँ पे आगे चलने के बाद एक एंड सिटी मिली थी, लेकिन इसमें शिप नहीं थी तो ना ही इसमें हमें इलाइट्रा मिलेगा और इसमें हमें रेवेजर का स्पून एक मिलेगा। तो यहाँ से मैं आगे की तरफ चला गया था। आगे चलने के बाद मुझे एक और एंड सिटी मिली थी, लेकिन उसमें भी शिप नहीं थी। पता नहीं यार मेरी बुरी किस्मत वापस क्यों आ रही है, लेकिन अच्छी बात है वहाँ पे मुझे थोड़े से चेस्ट वगैरह मिल गई थी और एक पिकेक्स मिल गई थी। वैसे तो मुझे इसकी जरूरत थी नहीं, पर मैंने रख ली थी। और काफी देर उधर उधर घूमने के बाद फाइनली मुझे एक और एंसिटी मिली थी जिसके अंदर फाइनली शिप थी। लेकिन जब मैं वहाँ पे गया तो मैंने देखा कि विस्क्राफ्ट वहाँ पे पहले से ही पहुंच रखा था। वैसे तो हम अलग अलग डायरेक्शन में गए थे, पर हमारे रास्ते सेम कैसे हो गए ये इसका मुझे कोई आइडिया नहीं था। तो मैंने सोचा कि मैं विस से पहले जाके सारी चीज चुरा लेता हूँ, फिर इसको कोई दूसरी एंसिटी ढूंढनी पड़ेगी। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि विस सर्प काम लेके आ चुका है और उसे दूसरी एंसिटी मिल चुकी है। तो फिर मैं थोड़ा सा शांत हुआ कि फिर मैंने केक को भाई मारा और यहाँ पे मुझे इलाइटर मिल चुका था। मैंने यहाँ से इलाइटर भी ले लिया था। इस वाली चेस्ट में मुझे यहाँ पे ज्यादा कुछ खास सामान मिला नहीं था, क्योंकि मुझे लगा था रेवेजर का एक यहाँ पे नहीं है, लेकिन दूसरी चेस्ट मुझे यहाँ पे रेवेजर का एक मिल चुका था। और अब यहाँ पे मेरे दोनों ऑब्जेक्टिव पूरे हो चुके थे और अब मुझे यहाँ पे ड्रैगन का हेड भी लेना था, क्योंकि मैं जब जब यहाँ पे एंड सिटी में आता हूँ तो मैं उस हेड को छोड़ता नहीं हूँ। ये मेरा एक साइन मान सकते हो या कुछ मान सकते हो, लेकिन हाँ उसे लेके जाना मेरा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम होता है। और यहाँ पे तुम ये देखो, मैंने एज अ प्लेजर मैंने यहाँ पे इलाइटर पहन रखा है और यहाँ पे मुझे अगर मैं थर्ड पर्सन में देखूँ तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं क्रिएटिव मोड रहा हूँ, लेकिन असल में मैंने इलाइटर पहन रखा है। या प्लेजर का उड़ने वाला एनिमेशन बनाना चाहिए था इन्हें। उसके बाद हम वापस अपने घर की तरफ आ चुके थे और फाइनली अब यहाँ पे जंग के लिए तैयार हो चुके थे मेरे सारे प्लेजर दोस्तों। फाइनली वो दिन आ चुका है जब हम विलेजरों पे अटैक करेंगे। आज से 24 घंटे बाद हम वहाँ पर अटैक करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले गेमबीट को एक और जरूरी काम करना पड़ेगा। तो पहले सबसे पहले गेम बीट से बात करते हैं। तो डेजल भाई अभी मैं जा रहा हूँ वुडलैंड मेंशन गोल्डर्स भाई को लेने, शायद उनकी प्रैक्टिस खत्म हो गई हुई और हाँ अभी तक विंडिकेटर भी नहीं आए, पता नहीं क्यों नहीं आए। तो अभी मैं जा रहा हूँ वुडलैंड मेंशन, तो उन दोनों को लेके मैं सीधा वहाँ पे पहुँच जाऊँगा विलेजर्स के बेस के पास। ठीक है, मैं भी चिराग वगैरह को लेके वहाँ पे जाता हूँ और तुम जल्दी कोशिश करना जल्दी आ जाओ। उसके बाद हमने यहाँ पे एक छोटा सा कैंप लगा लिया था और हमारे ठीक सामने विलेजर का विलेज था, मतलब बहुत बड़ा विलेज था वो। और यहाँ से थोड़ा चंक रेंडर नहीं हो रहा था तो उसमें तुम्हें वो बाद में दिखा दूंगा। और फिलहाल तो हम यहाँ पे गेम बीट का वेट कर रहे हैं और वो जल्दी आता होगा। ओके, तो सामने की तरफ भाई गेम बीट आ रहा है, लेकिन ये अकेला क्यों आ रहा है यार? अरे गेम बीट भाई तुम अकेले अकेले कैसे है यार, बाकी सब कहाँ हैं? अभी डेड जला भाई मैं गया था वुडलैंड मेंशन, तो वहाँ जैसे ही मैं पहुँचा तो मैंने देखो पूरा का पूरा वुडलैंड मेंशन जल रखा है और वहाँ पे एक सिंगल वेंडिकेटर भी जिंदा नहीं बचा, सबके सब मरे पड़े थे। और गोल्डस का क्या हुआ, मतलब वो कैसा है? और हाँ गोल्डस भाई की भी बॉडी मैंने देखी पूरे, वो भी मर चुके हैं। तो अब और मुझे पूरा लग रहा है इन विलेजरों ने किया ये। अब आगे क्या करना, मतलब डरना है या चलना है? अपने यहाँ पे पूरा प्लान तो बना रखा है ना अच्छे से। हाँ, प्लान तो रेडी है। हाँ, ये सारे विलेजर्स भी आ गए तो चलो अब विलेजर्स पे अटैक करते हैं। रुको मैं तुम्हें ये दिखाता हूँ, देखो सामने तुम्हें मेरी एंट्रेंस दिख रही है, हम यहाँ पर लड़ाई करेंगे और अंदर जाके हम रेवेजर छोड़ देंगे। ठीक है, ठीक है, हमारा कुछ प्लान है। और हाँ इनका एक किंग भी है, आपको पता है ना? मुझे अभी पता चला। नहीं नहीं वो किंग के बारे में नहीं पता। हाँ मैं गया था तो वहाँ एक आखिरी का जो विंडिकेटर बचा था वो मुझे बता रहा था,
इनके विलेजर के किंग के बारे में, वो अलग से दिख जाएगा, कुछ ऐसा बोल रहा था, ज्यादा बता नहीं पाया, उससे पहले ही मर गया। ओके ओके ठीक है, चलो उसे तो देख लेंगे हम। और फाइनली यहाँ पे हमारी लड़ाई स्टार्ट हो चुकी थी, यहाँ पे हमारी भी सेना आ चुकी थी और सामने से विलेजर गार्ड भी आ रहे थे, और हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है इस कैसल के अंदर जाना और उनके राजा को मारना। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं होने वाला था, क्योंकि जैसे ही हम इस विलेज के अंदर जा रहे थे विलेजर गार्ड और भी ज्यादा आ रहे थे। लेकिन जैसे तैसे हमारी प्लेजर आर्मी ने उन सबको हरा दिया था और धीरे धीरे हम अंदर की तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन अंदर जाने के बाद और भी ज्यादा विलेजर गार्ड आ चुके थे, तो इस वजह से मुझे यहाँ पे अपना रेविजर स्पॉन करना पड़ा और एक एक करके हम सबने अपना रेविजर स्पॉन कर दिया था। और ये लड़ाई काफी देर तक चलती रही थी, और जैसे जैसे हम कैसल के अंदर जा रहे थे यहाँ पर विलेजर गार्ड काफी ज्यादा आ चुके थे। मेरे पास यहाँ पे गोल्डन एंचेंटमेंट एप्पल भी थे, लेकिन ये लोग इतने ज्यादा थे कि मुझे गोल्डन एप्पल बार बार खाना पड़ रहा था। यहाँ पे बाकी लोग भी मेरी मदद करवा रहे थे, और पता नहीं ये सारे लोग मुझ पर अटैक क्यों कर रहे थे। और जैसे हम कैसल के अंदर गए तो हमें भाई यहाँ पर उनका राजा मिल चुका था, जो कि पूरा नेजराइट के आर्मर में था। भाई इसकी शील्ड पूरी एंचेंटमेंट वगैरह थी, वैसे हम चार थे तो हमने सोचा था इसे आसानी से मार देंगे, पर भाई ये नहीं मर रहा था। हमने काफी ज्यादा ट्राई करा इसे मारने के लिए और भाई ये नहीं मर रहा था, तो हमने बाहर से अपने प्लेजर दोस्तों को बुला लिया था। लेकिन भाई इसके प्लेजर गार्ड भी कुछ कम नहीं थे, इसने हमारे सारे प्लेजर गार्ड को मार दिया था, और यहाँ पे इसका हेलमेट टूट गया था, तो हमें यहाँ पे उम्मीद थी भाई ये अब मरने वाला है, क्योंकि इसका आर्मर पूरी तरह से टूट चुका है। और ऐसे ही करते करते हमने इसके काफी ज्यादा हिट मारे थे, फाइनली यहाँ पे मर चुका था। इसका आर्मर तो हमें नहीं मिला, लेकिन फाइनली हमने इसे पूरे को एक्वायर कर लिया था। उसे मारने के बाद हमने यहाँ पे एक बीकन बनाया था, छोटा सा बीकन था, क्योंकि ये हमारा विक्ट्री साइन होने वाला था, ताकि इस रोशनी को देखकर हमारे बाकी प्लेजर दोस्त भी यहाँ पर आ सके। और यहाँ पर भाई मेरा दोस्त भी आ चुका था, जिसने अपनी पूरी सेना भेजी थी हमसे लड़ने के लिए, तो इसे भी काफी बड़ा थैंक यू। वैसे माल लूटने के लिए आया है वहाँ, वैसे तो आने वाला नहीं है। और फाइनली गाइस यहाँ पे हमने अपना रिवेंज भी ले लिया था, और थैंक यू तुमने यहाँ तक अगर वीडियो देखी हो, और अगर तुम्हें पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करे, कमेंट करे, शेयर करे, और हम मिलते हैं तुमसे अगली वीडियो में। और अगर तुम्हारे पास कुछ ऐसा ही टॉपिक हो जिसके ऊपर हम वीडियो बना सकते हैं, तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में बता देना, या तो आप मेरा डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर सकते हो और वहां पर मुझे डीएम कर सकते हो। अगर तुम्हारी स्टोरी मुझे अच्छी लगेगी तो मैं तुम्हें पक्का बुलाऊंगा। एक काम करते हैं, साथ में आ जाते हैं, साथ में वीडियो बनाएंगे। और मुझे पता है काफी लोगों के पेपर चल रहे होंगे इस वक्त, मतलब बोर्ड वगैरह के तो प्री बोर्ड चल ही रहे होंगे, तो प्लीज़ यार तुम पढ़ाई पे भी फोकस करना। और मेरा कहने का ये मतलब नहीं है कि तुम पूरे दिन पढ़ते रहो, मतलब मैं ये कह रहा हूँ क्वालिटी पढ़ो, मतलब जितना पढ़ना है तुम्हें अच्छे से पढ़ना, ठीक है। बेमतलब में बुक सामने रख के कुछ नहीं होगा, मतलब कुछ फ़ायदा नहीं होता उससे, मैंने काफ़ी करा यार, तो बस ये मत करना, अच्छे से पास होना, मतलब अच्छे नंबरों से पास होना। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।